सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोला रे रहाओ। ये शब्द भगत नामदेव जी का उचारिया होया है। तो रहाओ दियां पंक्तियां दे विच भगत नामदेव जी कहिंदे ने कि सारियां दे विच परमात्मा वसदा है। सबै घट राम बोलै, भाव कि सारियां दे विच, सारियां दे दिलां दे विच परमात्मा आप वसदा है ते आप ही वह बोल रहा है। राम बिना को बोला रे, कहते होर उस परमात्मा तो बिना कौन बोल सकता है, भाव कि होर कोई नहीं है, सारियां दे विच परमात्मा ही वस रहा है ते परमात्मा ही बोल रहा है। एक लमाटी कुंज रचीती, भाजन है बहु नाना रे। कहते हैं कि इको ही मिट्टी है, उस मिट्टी के नाल हाथी बनया है, उस मिट्टी के नाल कीड़ी बनी है। जिवें एक कुम्हार इको मिट्टी के नाल कई तरह के भांडे घटता है, इस तरह परमात्मा ने इको मिट्टी के विचों ही सारे जीव जंतु पैदा किए हैं और भांत भांत के पैदा किए हैं, अलग अलग रूपां वाले पैदा किए हैं, छोटे व्डे आकारां वाले पैदा किए हैं, पर मिट्टी इको ही है। जिवें सोने के गहने जदों बनाए जाते हैं तो उन्हां दा स्रोत, उन्हां दा जिहड़ा सोर्स हुंदा है वह सोना ही हुंदा है। गहना कोई वड्डा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इस तरह कुम्हार की भावें असी एग्जाम्पल लै लीए, भावें सोने की सुनियार की एग्जाम्पल लै लीए, उहदे नाल इह गल सानूं स्पष्ट हो जाती है कि परमात्मा ने जिहड़े जीव पैदा किए हैं भावें छोटे ने भावें वड्डे ने, पर वह घड़े इको मिट्टी तो गए हैं। एक लमाटी कुंजर चीटी, भाजन है बहु नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। भगत नामदेव कहते हैं कि अस्थावर भाव के जिहड़े स्थिर रहने वाले हैं, जिवें पौधे होए जां पहाड़ होए, वो मूव नहीं करते, इधर उधर नहीं जाते हैं, तुरते नहीं हैं, भाव के स्थिर रहते हैं। अस्थावर जंगम, जंगम का मतलब जिहड़े मूव करते हैं, जिवें जीव जंतु हैं, वो एक जगह तो दूजी जगह पर जाते हैं। भाव के नामदेव जी इस शब्द के विच सानू दसते हैं कि भावें वह खड़े हुए दरख्त हैं, भावें वह खड़िया हुई चीज़ा हैं, भावें घूमन वाले जिहड़े हैं जीव हैं, वो सारे ही इको ही मिट्टी तो बने हुए हैं, तो उन्हां सारयां दे विच ही परमात्मा वसदा है। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, जिहड़े कीड़े मकौड़े हैं जां पतंगे हैं, उन्हां दे विच वी जिहड़ा है वह परमात्मा ही वसदा है। घट घट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता, और तजो सब आसा रे। कहिंदे कि हे बंदे, तू बस इको चिंता अपने मन दे विच रख। एकल दा मतलब इको ही, एकल चिंता राख अनंता, अनंता दा मतलब जो एक अनंत है, जिहदा कोई अंत नहीं पाया जा सकता, भाव कि उस परमात्मा नूं तू अपने चेते दे विच रख, उहदा तू चिंतन कर। एकल चिंता राख अनंता, और तजो सब आसा रे। बाकी चीज़ां जे तैनूं किते ते आस उम्मीद है, वह सारा कुछ छड्ड दे, उस परमात्मा दे उत्ते अपनी टेक रख, उस परमात्मा नूं अपने चित्त दे विच वसा, उस परमात्मा नूं जिहड़ा है सिमरिया कर, उस परमात्मा दे उत्ते अपनी जिहड़ी है तू ढोई रख। पर नवै नामा पै नेह कामा, को ठाकुर को दासा रे। भगत नामदेव जी इस आखिरी तुक दे विच इह समझाना करदे ने कि जदों असीं इस अवस्था दे विच पहुँच जाने हाँ तो फिर असीं निष्काम हो जाने हाँ, भाव कि असी किसी के नाल फिर मोह नहीं रखते, ना असी किसी के नाल नफरत रखते हाँ, तो फिर सानू यह पता लगता है कि को ठाकुर को दासा रे। जदों इस अवस्था दे विच बंदा आ जाता है, जदों वह कीट पतंगियां दे विच, जदों वह पौद्यां दे विच, वह छोटिया छोटिया कीड़ियां दे विच, जदों वह समझ लैंदा है कि हर एक दे विच परमात्मा का ही वासा है, परमात्मा ही वस रहा है, तो वह ही बोल रहा है। जीवन की जिहड़ी एक गति चल रही है किसी भी शरीर दे विच जां किसी भी पौधे दे विच, वह परमात्मा ही है।
ਤੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਦੱਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ ਰਹਾਉ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ, ਭਾਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖ ਅਨੰਤਾ, ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ। ਪਰਣ ਵੈ ਨਾਮਾ ਪੈ ਨਿਹ ਕਾਮਾ, ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ, ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ।